ओम नमो आदेश। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि शादीशुदा रिश्तों को तोड़ने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं, इनको कौन कराता है, इनके कारण क्या हैं, इसके परिणाम क्या निकलते हैं और इस क्रिया में कौन सी शक्तियाँ चलती हैं और इसके उपचार क्या है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस एक ही वीडियो के माध्यम से आपको लगभग सारी जानकारियाँ दे दूँ। वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबा बेशक हो, इसका एक एक बोल आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यदि आप इसे पूरा सुन लेते हैं तो फिर कोई ऐसी बाधा नहीं रहती है कि आप जान नहीं पाते कि आपके साथ आखिर ऐसा हुआ क्यों है। तो शादीशुदा को, रिश्ते को तोड़ने वाले जो पर्सन है, वह हमें भेजा है रमन वर्मा जी ने, जो कि ग्वालियर में रहते हैं। रमन ने लिखा है कि गुरुदेव, मेरी शादी टूट गई है, जबकि मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अचानक कुछ साल बाद हमारे रिश्तों में अनबन होने लगी। जैसे कि आपकी वीडियो में मैंने सुना, पहले हम एक बेड पे सोते थे, फिर अलग अलग हुए, फिर अलग अलग कमरों में गए, पत्नी मायके चली गई और अब कोर्ट में केस चल रहा है। तो न चाहते हुए भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कृपा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो बेटा रमन, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शादीशुदा रिश्ते जब टूटते हैं तो इनके मुख्य कारण क्या होते हैं। तो जैसा कि हमारे अनुभव में आया, इसके पांच जो मुख्य कारण हैं वह मैं बता देता हूं। प्रथम होता है अवैध संबंध, चाहे वह पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो। अवैध संबंध के कारण शादी के रिश्ते टूट जाते हैं। दूसरा होता है सास के द्वारा कराई गई क्रियाएं। अक्सर ऐसा स्त्रियों के साथ होता है, यानी कि बहू के साथ, जो कि अपना घर बार, अपना पीहर, अपना परिवार छोड़ के एक नए परिवार में आती है और उसके मन में कुछ सपने होते हैं कि पति प्यार करेंगे, सास माँ के समान रखेगी, खुशियों से घर भर जाएगा और मैं भी कोशिश करूंगी कि घर को स्वर्ग से सुंदर बना दूं। लेकिन कुछ सास ऐसी होती हैं जो कि बहू को चिढ़ती हैं। यदि लड़के और बहू में अच्छा खासा प्रेम है तो उनको लगता है कि बहू ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। तो इन स्थितियों में अनेक मामले हो सकते हैं। हो सकता है सास आपकी कहीं और शादी कराना चाहती है, इसलिए वह चाहती है कि बहू से तलाक हो जाए या बहू से छुट्टा छेड़ा हो जाए, छूट जाए बहू, तो सास के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं। नंबर दो पर तो। नंबर तीन जो मामला होता है वह होता है दहेज आदि का लालच। कुछ परिवार आज भी 21वीं सदी में भी ऐसे हैं जो कि दहेज के लालच में लड़के को पालते हैं, बड़ा करते हैं और उसकी कीमत वसूल करना चाहते हैं। ऐसे घरों में भी रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं पनपते हैं और टूट जाते हैं। नंबर चार पर जो मुख्य कारण है वह होता है बच्चा न होना। कई स्त्रियों को बच्चा नहीं होता है, संतान नहीं होती है, शादी के 5 साल 10 साल हो जाते हैं लेकिन संतान का सुख नहीं मिलता है। ऐसे में पूरा परिवार जो होता है वह सारी की सारी जो घटना होती है बच्चा न होने की, इसका भांडा बहू के सर पर फोड़ देता है, उसमें कमी निकाल देते हैं और कहते हैं कि तू हमारा वंश नहीं चला सकती, इसलिए तू चली जा यहाँ से। तो इस तरह भी होता है। वह यह नहीं देखते हैं कि हो सकता है तुम्हारे लड़के में भी कमी हो, क्योंकि पुरुष के अंदर इतना घमंड अहंकार होता है, मर्द का अहंकार होता है, वह कभी मान ही नहीं सकता है कि मेरे अंदर भी कोई कमी हो सकती है। इसलिए दवाइयाँ, इलाज, चेकअप सब कुछ स्त्री का होता है। भले ही स्त्री स्वस्थ हो लेकिन उसे इन प्रक्रियाओं से, इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सालों साल दवा खाने के बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है,
उसकी सुंदरता पर इफेक्ट आता है, उसके स्वास्थ्य पर इफेक्ट आता है, वह मुरझाने लगती है, सूखने लगती है, या फिर ज़्यादा मोटी हो जाती है दवाइयों के प्रभाव से, साइड इफेक्ट से, जिससे कि अब वह और ज़्यादा आँखों में खटकने लगती है और ससुराल पक्ष चाहता है कि अब इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि बच्चे इसको होते नहीं, शारीरिक रूप से भी यह ठीक नहीं। तो यह होता है। नंबर 5 होता है देवरानी जेठानी। कई मामलों में मैंने देखा है कि जो जेठानी होती है उसके पति के साथ, यानी कि आपके पति के साथ अवैध संबंध हो जाते हैं या देवरानी के साथ हो जाते हैं, वो सारी कमाई चूसने लग जाती है उस पुरुष की, और वह चाहती है कि आप घर छोड़ दे या तलाक हो जाए, छुट्टा छेड़ा हो जाए, आपकी शादी टूट जाए, ताकि कोई बाधा न रहे उस पुरुष की सारी संपत्ति और पैसे को वह देवरानी और जेठानी ही उड़ा ले। उसको तो वह अपने वश में रखती ही है, मोह में रखती ही है, और वह भी कुत्ते की तरह दूसरी औरत में मुंह मारने के चक्कर में अपनी ही पत्नी को छोड़ देता है या फिर उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, मारपीट करता है। तो यह तो हो गए कारण। अब परिणाम क्या होते हैं इन कारणों के? तो देखिए, परिणाम बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ, ज़्यादातर ये मामले किसके साथ होते हैं, कैसी सी स्त्री होती है जिसके साथ ये कारण होते हैं। अक्सर यह कारण होते हैं जो स्त्रियाँ दिल की साफ होती हैं, सच्ची होती हैं, मुंह पर कह देती हैं, सामने से बोल देती हैं कि ये बात है, वो बात है, मतलब सब कुछ स्पष्टता से कहती हैं, उनके साथ ज़्यादातर मामलों में ये केस होते हैं। क्योंकि इसके विपरीत दूसरी जो चापलूस किस्म की स्त्रियाँ होती हैं, तेज किस्म की स्त्रियाँ होती हैं, वह तो किसी न किसी तरह से चापलूसी करके सास की, जेठानी की, वह अपना रास्ता निकाल ही लेती हैं और एडजस्ट हो ही जाती हैं। लेकिन जो साफ दिल की स्त्रियाँ होती हैं, जो सच्ची होती हैं, उसे इस माहौल में एडजस्ट होना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उसको निकाल दिया जाता है। तो यह हो गया। अब इसके परिणाम क्या निकलते हैं? परिणाम यह निकलते हैं, स्त्री शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी रूपों में अकेली पड़ जाती है। अकेली कैसे पड़ जाती है? देखिए, स्त्री का जो कुछ होता है उसका पति होता है सहारा, और जब पति साथ नहीं देता है तो फिर वह प्रथम दृष्टा अकेली पड़ती है, आर्थिक रूप से टूट जाती है, सामाजिक रूप से भी टूट जाती है, क्योंकि ऐसी स्त्रियों को अक्सर हमारे समाज में गलत निगाह से देखा जाने लगता है कि इसने पति के साथ निभा नहीं पाई, इसका तो कहीं चक्कर है, इसका तो चरित्र खराब है, या फिर कुछ ऐसी ही स्थितियां। तो वह वहां से सामाजिक तौर पर भी अकेली पड़ जाती है। अब वह जाती है मायके, क्योंकि उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, शरीर पर लाल नीले निशान कर दिए जाते हैं पीट पीट कर। फिर वह बेचारी जाती है अपने पीहर। अब पीहर में उसके माता पिता होते हैं, एक आध भाई होता है, वह उसका साथ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों में यह शक्तियाँ जो होती हैं, तंत्र की शक्तियाँ होती हैं, यह उसके साथ क्या करती हैं? अभी हमारे पास पिछले दिनों एक केस आया था जिसमें यही मामला था। उसमें जेठानी और सास ने मिलकर तंत्र कराया था। अब वह स्त्री बेचारी, उसको मारा गया, पीटा गया, बुरा व्यवहार किया गया, किसी तरह वह जान बचा के तो भागी, अपने पीहर पहुंची, वहाँ रहने लगी, वहाँ से कोर्ट केस चला, दहेज का केस, घरेलू हिंसा का केस। अब वह कोर्ट आती जाती, अब कोर्ट आने जाने के लिए रोज पैसे भी चाहिए। सामाजिक तौर पर भी जो कोर्ट में जाती है महिलाएं, हमारे समाज में उनको अच्छे रूप में नहीं देखा जाता है, उनको गलत समझा जाता है। बेशक वह अपनी सच्चाई के लिए, अपने हक के लिए लड़ने जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज का रोल जो है पुरुष प्रधान है। वह कहते हैं कि देखो, उसकी स्त्री, उसकी बेटी कोर्टों में धक्के खा रही है, ये है, वो है, उल्टी सीधी बातें। अब उसके साथ उसके पिता जाते थे कोर्ट में, जो हमारे पास मामला आया। कुछ समय बाद क्या होता है कि उसके पिताजी अचानक, उनको शारीरिक रूप से एक परेशानी आ जाती है, एक अटैक पड़ता है, और बेचारे वह बेड से लग जाते हैं, चारपाई से लग जाते हैं, क्योंकि यह तंत्र क्रिया उस स्त्री को बिल्कुल अकेला कर देती है। उसका पहला उदाहरण था उसके पिता को इस तरह से
शारीरिक रूप से अक्षम बना दिया कि वह फिर नहीं जा पाते थे। अब उसका भाई साथ जाने लगा। उस लड़की के दो भाई थे तो वो भाई जाता था। भाई था जो बेचारा, वह भी अच्छा आदमी था। अपनी बहन के साथ वह कोर्ट में जाने लगा। अब तंत्र जो किया गया था, उसने उसके भाई के ऊपर जो है सीधा अटैक किया। उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया गया, बुद्धिबंधन कर दिया गया। और एक दिन उस लड़के को जब वह कोर्ट से आ रहे थे तो उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। एकदम चक्कर उसको आया और वह गिर पड़ा। गिर पड़ने के बाद उसको घर लाया गया तो वह मानसिक रूप से बिल्कुल विसित हो चुका था। डॉक्टरों को रिपोर्ट में कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो हुआ क्या। वह भी साथ देने के उसके काबिल नहीं रहा। अब छोटा भाई था जो, वह उसके साथ जाने लगा। जहाँ कहीं भी जाना होता, अधिकारियों के पास जाना होता, कोर्ट में जाना होता, थाने में जाना होता, पुलिस में जाना होता, क्योंकि उनका केस आगे बढ़ ही नहीं रहा था। उसका पति इधर उधर से पैसे ले दे के उनके केस को ढील दे रहा था, खींच रहा था, तारीख पे तारीख लग रही थी। छोटा भाई अब उसके साथ जाने लगा तो उसके छोटे भाई के दो बार एक्सीडेंट हुए। जान तो उसकी बच गई, लेकिन अब उसने भी हाथ खड़े कर लिए कि दीदी हम आपके साथ अब ज़्यादा नहीं जा सकते। देखिए, पता नहीं क्या शक्ति है, क्या चीज़ है जो बार बार उस व्यक्ति को ही मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर देती है जो तुम्हारा साथ देता है। तो यह होता है, अब बिल्कुल वह स्त्री अकेली पड़ जाती है। और जब उसको कहीं से सहारा नहीं मिलता है तो वह परमात्मा के सामने ही रोती है और टूट जाती है। और टूट जाने के बाद उसके पति की हिम्मत हौसला बढ़ जाता है और वह केस में भी हार जाती है। उसे कुछ हाथ पल्ले लगता नहीं है। तो यह इसके परिणाम हो सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसमें शक्तियों का कौन सी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शक्तियाँ बतानी अनिवार्य है। हमारा वीडियो का मुख्य टॉपिक भी यही है कि इसमें शक्तियाँ कौन सी काम करती हैं। तो देखिए, शक्तियाँ दो प्रकार से इसमें क्रिया की जाती हैं। एक तो किया जाता है खिलाए पिलाए द्वारा। खिलाए पिलाए द्वारा जो तंत्र किया जाता है उसमें मुख्य रूप से शमशान की शक्तियाँ चलती हैं। मरघट काली चलती है, शमशान भैरव चलते हैं, कोई योगिनी चलती है, मसानी चलती है। ये खिलाए पिलाए के माध्यम से जो है शक्तियों को भेजा जाता है। दूसरा होता है किए कराए द्वारा। जैसे कि आपके शरीर का कोई हिस्सा, जैसे बाल है, नाखून है, ये ले लेना, मेकअप का कोई सामान उठा लेना, जैसे लिपस्टिक है आपने होठों से लगाती हैं उसको ऐसे के ऐसे उठा लेना, आपका कोई वस्त्र उठा लेना, खासकर आपके माहवारी के कपड़े जो होते हैं, रकत जिन पे लगा होता है आपका माहवारी का, मेंसेज का, मंथली का रकत जो होता है, ब्लड होता है, उसको लगे हुए कपड़े। इसके अलावा आपके जो अंत वस्त्र होते हैं, आपके छाती पर पहनने का वस्त्र, आपके जांघों पर पहनने का वस्त्र, इनको उठा लिया जाता है। इससे कराया जाता है किया कराया तंत्र। इसमें मसानी क्रियाएं चलती हैं, मसानी शक्ति चलती है, मसान चलता है। यह भी तंत्र बहुत खतरनाक होता है। अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं यह मैं बता देता हूँ। देखिए, खिलाया पिलाया जो होता है उसके सीधा सीधा लक्षण जो होते हैं वह आपके पेट पर संबंधित होते हैं। इससे आपके पेट में हलचल होने लग जाती है। और हलचल भी कैसे होने लग जाती है, जैसे आपके पेट में कोई चीज है, आपके नाभि के नीचे जहाँ टिंटनी केंद्र होता है वहाँ पे दर्द रहने लग जाता है। किसी चीज़ का एहसास होता है, जैसे कोई चीज़ घूम रही है, ऐसा लगता है कि पेट को जकड़ लिया है किसी चीज़ ने। और वह दर्द होता है, वह वस्तु जो होती है खिलाई पिलाई, वह घूमती रहती है आपके पेट में, कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, कभी मध्य भाग में, कभी बाएं भाग में, कभी दाएं भाग में, कभी योनि की तरफ। तो वह चीज़ आपके पेट में घूमती रहती है। आपको खासकर कई लोगों को शिकायत होती है कि कब्ज के शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थितियाँ उसके साथ होती है खिलाए पिलाए मामले में। अब किया कराया जो होता है इसमें पेट में हलचल तो नहीं होती है, पर शरीर पर दबाव बहुत पड़ता है। रात को सोते समय नींद ठीक से नहीं आना, बुरे बुरे ख्याल आना, सपने आना, गंदे ख्याल आना, संभोग के ख्याल आना, शारीरिक रूप से महसूस होना कोई इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, यानी कि गलत काम कर रहा है।
ऐसे मामलों में, बहुत ज्यादा मामलों में ऐसा होता है जो कि शक्ति छोड़ी जाती है वह गंदी शक्ति होती है, मैली शक्ति होती है, मसाणी शक्ति होती है। वह स्त्री के साथ गलत काम करना शुरू कर देती है जिसके बाद वह किसी पुरुष के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहता है, बिल्कुल टूट जाता है। स्त्री वह धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। ख़त्म तो होगी क्योंकि उसकी मेमोरी का लॉस होने लगता है। यह शक्ति उसके जीवन ऊर्जा को, जीवन रस को चूसने लग जाती है। उसका जो माथा होता है, बुद्धि होती है, दिमाग होता है, वह चीज़ों को भूलने लग जाता है। जैसे एक चीज़ कहाँ रख दी, उसे मिलती नहीं पूरा दिन। आज कोई प्लान बनाया था, सोचा था, तो तुरंत वह अगले दिन उसे याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या करना था, क्या नहीं करना था। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति का दिमाग काम करता है कि ऑटो मोड पर चलता है, उसको याद होता है कि कल मुझे इतने बजे वहाँ जाना है, ये चीज़ लाना है, ये करना है, उसके दिमाग से ये चीज़ें घूमने लग जाती है और वह भूलने लग जाती है। ऐसे में क्या होता है, जो स्त्री अपने पीहर में चली जाती है तो यह शक्ति उसके पीहर में भी चली जाती है, उसके साथ ही जाती है और वहाँ पर भी अपने तंत्र का जो है बुरा प्रभाव दिखाने लग जाती है। जैसे इस लड़की के मामले में था जो मैंने बताया, पिता उसके खटिया से लग गए, बीमार हो गए, भाई का एक्सीडेंट हो गया, एक भाई मानसिक रूप से बिल्कुल बेकार हो गया। पहले वह जॉब करता था, अच्छे पैसे भी कमाता था, घर पे भी लाता था, खुशी से रहता था, लेकिन अब वह ना काम कर पाता है, ना ही उसका कोई काम चलता है, न जॉब चलता है। जॉब पे जाता है तो जॉब छूट जाती है, वहाँ पे झगड़े वगैरह होने लग जाते हैं। और दूसरे भाई के दो बार एक्सीडेंट होने के पश्चात वह तो बिल्कुल ही सहम गया था कि यह होने क्या लगा है। और उस स्त्री का जो बच्चा होता है उसके ऊपर भी यह तंत्र क्रिया अपना प्रभाव डालने लग जाती है। जैसे ही वह थोड़ा बड़ा होता है 15-16 साल का, उसको भी गंदे ख्याल घेर लेते हैं, गंदी शक्तियाँ घेर लेती हैं, उसका स्वप्न दोष होने लगता है और वह अपने हाथ से भी हथ मैथुन करने लग जाता है, अपने वीर्य का पात करने लग जाता है, जिससे उसकी भी मेमोरी का लॉस होने लग जाता है, उसकी भी याददाश्त खत्म होने लगती है, वह भी अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाता है, ना निर्णय ले पाता है और धीरे धीरे वह भी खत्म होने की, खात्मे के कगार पर चला जाता है। तो इस तरह से यह बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इसके समय के बारे में बात कर लेंगे। इसके समय जो होता है ठीक होने का समय, यदि आप किसी योग्य गुरु से इसका इलाज करवाते हैं तो 3 से 6 महीने इस कार्य में लग जाते हैं। इतने समय में ही यह चीज़ हटती है क्योंकि यह एक बेहद खतरनाक शक्ति है, बेहद खतरनाक जादू है जो आपके जीवन को नष्ट करने की ताकत रखता है। अब इसके उपचार की बात कर लेते हैं। देखिए, इसका उपचार जो है वह कोई आम भगत, कोई आम तांत्रिक, ओझा गुनिया सोखा, कोई बाकी ऐसा कोई भगत इसका इलाज आसानी से नहीं कर पाता है। इसका इलाज करने के लिए किसी योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए जिसको इन शक्तियों के बारे में ज्ञान हो, इनके लक्षणों का ज्ञान हो, इन क्रियाओं का ज्ञान हो, कारण का ज्ञान हो, परिणाम का ज्ञान हो, पहचान हो उसे, वह तुरंत आपके लक्षणों को देखकर पहचान सके कि यह खिलाया पिलाया मामला है या किया कराया मामला है। जैसे ही वह पहचान लेता है तब उसके बाद इलाज शुरू होता है। आपने भी देखा होगा कि जब कोई डॉक्टर को आपकी बीमारी का ही पता नहीं होगा तो फिर वह इलाज क्या करेगा आपका, ऐसे झाड़ा लगा देने से, ऐसे बोल देने से कि हो जाएगा, नींबू लौंग घुमा देने से, ऐसे इलाज नहीं होता है। खिलाया पिलाया जो होता है उसको निकालने की अलग व्यवस्था होती है और क्रिया को काटने की अलग व्यवस्था। ऐसे ही किया कराया, इसमें ज़्यादातर पुतली का प्रयोग किया जाता है, किया कराए में शमशान की विद्या लगाई जाती है। इसको काटने के लिए कोई योग्य गुरु की तलाश करें, ऐसे धक्के मत खाए इधर उधर जहाँ पे उन लोगों को न लक्षणों का पता है, न बीमारी का पता है, न कारण का पता है। आपको ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो आपके लक्षणों को देखकर, आपको देखकर आपके नस नस में क्या हलचल हो रही है, कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, वह पहचान लगे। अब मसाणी जो ये क्रिया है खिलाए पिलाए की, इसमें आपके योनि में जलन होती है, दर्द होता है योनि के ऊपर के भाग में, वहाँ पे नाभि के नीचे वहाँ पे दर्द रहता है, वहाँ पे आपको पीड़ा रहती है, जलन रहती है। कई स्त्रियों को योनि में खुजली का एहसास होता है, शरीर में लगता है कि जैसे कांटे चुभ रहे हैं, चींटियाँ काट लेती है, इस तरह के एहसास उसके साथ होने लग जाते हैं। उसको बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि मर जाऊँ, अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ बचा नहीं। तो यदि आपके साथ ऐसे लक्षण हैं तो आप किसी योग्य गुरु की तलाश कीजिए, और यदि योग्य गुरु आपको नहीं मिलता है आपके क्षेत्र में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर लिख रखा है, आप हमें एक मैसेज कीजिए, अपना फोटो, अपना नाम, अपना स्थान यह बताइए, हम चेक कर देते हैं कि आपके साथ खिलाया पिलाया मामला है या क्या कराया, इसका इलाज कैसे होगा, इसमें शक्तियाँ क्या है, इसके लक्षण क्या है, हर चीज़ आपको हम बताते हैं। फिर आपको पता चलता है कि जो जो गुरु जी बोल रहे हैं यह चीज़ें मेरे साथ हो रही है या हुई है, तब आप इलाज के लिए तैयार होते हैं और तब हम भी आपका इलाज करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि इलाज जो होता है वह सहमति पे होता है। आप जब मान लेते हैं कि ये चीज़ें जो बताई गई हैं यह मेरे साथ हो रहा है, तब आपको विश्वास होता है कि हाँ इस गुरु में कुछ बात है, कुछ यह जानकार भी है, इसको कुछ पता भी है, तो ऐसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। जय माँ कामाख्या।